गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे बीएससी पार्ट फर्स्ट का पेपर सेकंड सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स। इसमें हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनल्स गोल्जी कॉम्प्लेक्स। यहाँ हम सबसे पहले गोल्जी कॉम्प्लेक्स का डायग्राम देखते हैं। सेल के अंदर गोल्जी बॉडी या गोल्जी कॉम्प्लेक्स पाए जाते हैं। इसमें हम जो डिस्कस करेंगे इंट्रोडक्शन कंटेंट हमें डिस्कस करने हैं, इंट्रोडक्शन एंड डिस्कवरी, मॉर्फोलॉजी जिसमें शेप साइज एंड नंबर डिस्कस करेंगे, देन लोकेशन, अल्ट्रास्ट्रक्चर, केमिकल कॉम्पोजिशन, फंक्शंस एंड ओरिजिन ऑफ गोल्जी बॉडीज। अब हम इन्हें वन बाय वन डिस्कस करेंगे। सबसे पहले डिस्कवरी देखते हैं कि गोल्जी बॉडी की या गोल्जी एपरेटस की खोज किसने की थी। गोल्जी एपरेटस इज नेम्ड आफ्टर द साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड इट। गोल्जी एपरेटस नाम किस कारण दिया गया? साइंटिस्ट के नाम के कारण दिया गया। इनका नाम था साइंटिस्ट का जिन्होंने इसकी डिस्कवरी की थी, प्रोफेसर कैमिलियो गोल्गी, इसलिए इसे गोल्जी बॉडी नाम दिया गया। कैमिलियो गोल्गी वॉज एन इटालियन बायोलॉजिस्ट हु डिस्कवर्ड दिस ऑर्गेनल विद द लाइट माइक्रोस्कोप इन 1898 में ये इटालियन बायोलॉजिस्ट थे कैमिलियो गोल्जी, इन्होंने डिस्कवर किया था माइक्रोस्कोप के अंदर गोल्जी बॉडी को। ही डेवलप्ड अ मेथड दैट स्टेन्ड इट इंटेंसली एंड मेड पॉसिबल द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ इट्स अक्रेंस इन अ वाइड वेराइटी ऑफ सेल टाइप। उन्होंने स्टेन मेथड डेवलप किया, उन्होंने स्टेन किया क्योंकि स्टेन करने के बाद कोई भी जो ऑर्गेनल होता है वो क्लियर दिखाई देता है, उसकी स्टडी अच्छे से की जा सकती है, इसलिए उन्होंने स्टेन किया और वाइड वेराइटी ऑफ सेल टाइप्स को देखा। द मेथड इज नोन एज गोल्जी स्टेनिंग और गोल्जी इम्प्रेगनेशन। ये मेथड कहलाया गोल्जी स्टेनिंग और गोल्जी इम्प्रेगनेशन मेथड कहलाया। इसमें उन्होंने कैमिलियो गोल्गी ने चांदी के लवणों व ऑस्मियम टेट्राऑक्साइड द्वारा पिलेट की जांच करते हुए बिल्ली व उल्लू की तंत्रिका कोशिकाओं में अध्ययन किया और एक जाल नुमा रचना देखी। उन्होंने इनको देखा कि ये आसानी से दिखाई नहीं दे रही हैं, ये कोशिका द्रव में साइटोसोल में इनका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसका समान है, इसलिए उन्होंने स्टेन करके इनको देखा। देन अकरेंस हम देखते हैं ये कहाँ कहाँ उपस्थित होती हैं। द गोल्जी एपरेटस अकर्स इन ऑल सेल एक्सेप्ट प्रोकैरियोटिक, माइकोप्लाज्म, बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी एंड यूकैरियोटिक सेल्स ऑफ सर्टेन फंजाई, स्पर्म सेल, ब्रायोफाइट, मैच्योर स्पर्म और रेड ब्लड सेल्स ऑफ एनिमल। ये सभी सेल्स में पाई जाती हैं किंतु प्रोकैरियोट की माइकोप्लाज्मा, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एल्गी में नहीं पाई जाती। ये परिपक्व शुक्राणु, लाल रक्त कणिकाओं, फंजाए, प्लांट्स में, ब्रायोफाइट्स में, टेरिडोफाइट्स में और स्पर्म्स में भी नहीं पाई जाती। वन एनिमल सेल यूजुअली कंटेन अ सिंगल गोल्जी एपरेटस बट नंबर वेरी फ्रॉम सेल टू सेल, फ्रॉम एनिमल टू एनिमल। यूजुअली एक सेल में एक ही गोल्जी एपरेटस होता है किंतु इसका नंबर सेल टू सेल और एनिमल टू एनिमल डिफर करता है। नर्व सेल, लिवर सेल एंड ऊसाइट है मल्टीपल गोल्जी एपरेटस। नर्व सेल में और लिवर सेल में और ऊसाइट में बहुत सारे गोल्जी एपरेटस होते हैं। सिंगल एल्गी सेल कंटेन 25,000 गोल्जी एपरेटस। सिंगल एल्गल सेल में 25,000 गोल्जी एपरेटस होते हैं। देन मॉर्फोलॉजी, हम इसकी मॉर्फोलॉजी डिस्कस करते हैं। देखिए यहाँ डायग्राम क्लियर दिखाई दे रहा है, इस डायग्राम को देखिए आप, गोल्जी एपरेटस की स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है।
इसमें आप देखिए ये ल्यूमन दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा आप देखिए ये जो कहलाते हैं ये सिस्टर्नी होते हैं, जो लंबे लंबे होते हैं, हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में ही पढ़ा था। छोटी छोटी वेसाइकल्स जो दिखाई दे रही हैं ये न्यूली फॉर्म वेसाइकल्स हैं, देखिए साइड में दिखाई दे रही हैं ड्रॉप्स लाइक। इधर आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल जो उनसे अलग हो गई हैं, बाहर की ओर जा रही हैं, दीज आर कॉल्ड आउटगोइंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। एंड ये देखिए ऊपर की साइड हैं जो कि इनके पास आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल। इनकमिंग जो अंदर की ओर लाते हैं, ट्रांसपोर्टेशन अंदर की ओर करते हैं, आउटगोइंग जो बाहर की तरफ करते हैं। ये पूरा सिस फेज कहलाता है और ये लॉन्ग ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड सिस्टर्नी। देन इनकमिंग ट्रांसपोर्ट वेसाइकल दोनों तरफ आप देखिए दिखाई दे रही हैं और बीच में ये ल्यूमन दिखाई दे रहा है। यहाँ हमने ये देखा कि ये गोल्जी अपरेटस का एक डायग्राम। देन मॉर्फोलॉजी हम इसकी डिस्कस करते हैं। द गोल्जी अपरेटस इज मॉर्फोलॉजिकली वेरी सिमिलर इन बोथ प्लांट एंड एनिमल सेल। गोल्जी अपरेटस प्लांट और एनिमल सेल दोनों में लगभग समान होता है। इट्स शेप एंड फॉर्म वेरी फ्रॉम सेल टू सेल। इसकी शेप सेल टू सेल डिफर होती है। हर एक सेल की अपनी आइडेंटिटी होती है, उस आइडेंटिटी के अनुसार इनकी सेल भी डिफरेंट डिफरेंट होती हैं। गोल्जी अपरेटस अपीयर्स एज अ कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वेसाइकल एंड सिस्टर्नी। इनमें इंटरकनेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती हैं, वेसाइकल्स होती हैं एंड सिस्टर्नी होती हैं। अब हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। नंबर वन सिस्टर्नी और फ्लैटेंड सैक जो हमने देखे थे, लॉन्ग ट्यूबुलर लाइक सैक थे, दीज आर कॉल्ड सिस्टर्नी। सिंपलेस्ट यूनिट ऑफ गोल्जी अपरेटस इज सिस्टर्नी। ये जो सिस्टर्मा होता है दिस इज सिंपलेस्ट यूनिट होती है गोल्जी अपरेटस की। दिस इज अ मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस इन विच वेरियस मटीरियल्स एंड सिक्रीशंस में अकर। ये मेम्ब्रेन बाउंड होती है और इसमें वेरियस मटीरियल्स और सिक्रीशन होते हैं, इसीलिए आपको बताया था इसमें ल्यूमन होती है। ल्यूमिनस सिस्टर्नी आर एसोसिएटेड एंड अपीयर इन अ स्टैक लाइक। बहुत सारी सिस्टर्नी एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं और स्टैक लाइक होती हैं। द ग्रुप ऑफ सिस्टर्नी इज कॉल्ड डिक्टियोसोम एंड अ ग्रुप ऑफ डिक्टियोसोम मेकअप ऑफ सेल गोल्जी अपरेटस। जो ग्रुप्स हैं सिस्टर्नी की दीज आर कॉल्ड डिक्टियोसोम और डिक्टियोसोम का ग्रुप जो होता है दिस इज कॉल्ड गोल्जी अपरेटस। तो हमने यहाँ नंबर वन सिस्टर्नी ऑफ फ्लैटेंड सैक के बारे में पढ़ा। देन सेकेंड है ट्यूब्यूल्स, अ कॉम्प्लेक्स एरे ऑफ एसोसिएटेड वेसाइकल एंड ट्यूब्यूल्स 30 to 50 नैनोमीटर इन डायामीटर सराउंडेड द डिक्टियोसोम। एक कॉम्प्लेक्स एरे जो कि एसोसिएटेड वेसाइकल्स होती हैं और ट्यूब्यूल्स, ये लगभग 30 से लेकर 50 नैनोमाइक्रोमीटर की होती हैं और ये सराउंडेड द डिक्टियोसोम को सराउंड किए हुए रहती हैं। देन वेसाइकल्स, वेसाइकल आर ऑफ 3 टाइप्स। ये तीन तरह की वेसाइकल्स होती हैं, ट्रांजिशनल वेसाइकल, सिक्रीटरी वेसाइकल एंड टेरिन कोटेड वेसाइकल। ट्रांजिशनल वेसाइकल फ्रॉम एज बल्ब्स फ्रॉम द ट्रांजिशनल ईआर और गोल्जी। सिक्रीटरी वेसाइकल अकर्स बिटवीन गोल्जी एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड क्लेटरिन कोटेड वेसाइकल प्ले रोल इन इंट्रासेल्युलर ट्रैफिक ऑफ मेम्ब्रेन्स एंड सिक्रीटरी प्रोडक्ट। ये जो तीन तरह की वेसाइकल होती हैं ये अलग अलग इनके काम होते हैं, तीनों के काम अपने अपने शेप और इसके आधार पर होते हैं कि इनमें वेसाइकल्स में दूरस्थ सिरों पर एक बूंद जैसे छोटे थैले जैसी फूले हुए भाग होते हैं। ये बडिंग के द्वारा उनसे अलग हो जाते हैं और अलग होने के बाद जो सिस्टर्नी हैं उनसे वापस जुड़ जाते हैं। कुछ उसमें स्मूथ वेसाइकल्स भी होती हैं जो छोटी होती हैं, कुछ सिक्रीटरी वेसाइकल्स होती हैं, एक्सोसाइटोसिस का काम भी करती हैं, रिसेप्टर्स मीडिएटेड एंडोसाइटोसिस का काम भी करती हैं। इस तरह से इनके काम अलग अलग होते हैं।
गॉल्जियन वैक्यूल्स भी पाई जाती हैं। ये अपेक्षाकृत बड़ी होती हैं, कुंडलाकार होती हैं और लगभग 760 एंगस्ट्रॉम से 6000 एंगस्ट्रॉम की होती है जो सबसे बड़ी होती है, और छोटी 70 एंगस्ट्रॉम से 80 एंगस्ट्रॉम की होती है। तो इस तरह से आज हमने पढ़ा गॉल्जी के बारे में कि गॉल्जी कॉम्प्लेक्स की खोज किसने की थी, किस तरह की थी। उसके बाद हमने इसकी अकरेंस, देन लोकेशन, शेप एंड साइज, अल्ट्रास्ट्रक्चर, इन सब के बारे में आज हमने पढ़ा। थैंक यू।